नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की रेमेडी जो है इट्स रिलेटेड टू योर हेयर। और आपको धूप में मैं दिखा दूं क्योंकि ये रेमेडी मैं कर चुकी हूँ, शैम्पू कर लिया था और आप देख सकते हो मेरे बालों की कंडीशन एब्सोल्युटली सॉफ्ट, बाउंसी। और एक्चुअली कोविड के बाद से मेरे जो बाल हैं बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ़ हो गए थे और हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी मुझे। सो मैं चाह रही थी कि कोई मैं ऐसा होममेड मास्क ट्राई करूं जो मेरे बालों को नरिश भी करे डीपली, एकदम स्कैल्प और बालों को रूट से लेके टिप्स तक पूरा नरिश कर दे और अच्छे से सिल्की, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग बना दे। सो आज की जो रेमेडी है इट्स रिलेटेड टू द हेयर और इट्स अ मास्क जिसमें बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर तो फ्रेश मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका जो मैंने इसमें लीव्स यूज़ की हैं उसका आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें कुछ ऑयल्स मैंने ऐड किए हैं सो दैट आपकी जो जड़ें हैं, आपका स्कैल्प है, आपके बाल हैं, पूरे पूरे जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। आई होप आपको ये रेमेडी हेल्प करेगी। और अभी भी बाल मेरे थोड़े से गीले हैं। आई ट्राई टू शो यू द आफ्टर इफेक्ट्स। पहले फटाफट से देख लेते हैं कि इस मास्क को, हेयर मास्क को बनाना कैसे है। हाँ जी, तो मेन इंग्रेडिएंट है इस मास्क को बनाने का कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स। फ्रेश मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका ड्राई लीव्स का पाउडर भी यूज कर सकते हो। अमेजॉन पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप ले लेना। 10 से 12 स्ट्रैंड्स करी पत्ते की लीव्स की मैंने ली है। इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी और इसका एक पेस्ट बना लूंगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके, ऑलमोस्ट 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करके पेस्ट बना लूंगी। तो जो कड़ी पत्ता है वो हाईली रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, बीटा कैरोटीन में और प्रोटीन में, जो हमारे बालों को जड़ों से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यहां मैं यूज करूंगी आर्गन ऑयल और होहोबा ऑयल। जरूरी नहीं है कि यही ऑयल चाहिए, कोई भी ऑयल आप इस रेमेडी में डाल सकते हो। बट पोस्ट कोविड मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब थे और ये दोनों ऑयल, मैंने बहुत रिसर्च करी है, ये दोनों ऑयल डैमेज बालों को, डैमेज स्कैल्प को, ड्राई स्कैल्प को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये मैंने मंगाया है, ऑर्गेनिक नेत्रा एक ब्रांड है, वहां से 100% सर्टिफाइड ये ऑयल्स बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनके रिव्यूज पढ़ के, सो आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई सेल्फ और मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगे हैं इनके रिजल्ट। यहाँ जो पेस्ट मैंने बनाया था उसको मैं छान कर उसका एक पानी, आप कह लो जूस कड़ी पत्ते का, वो निकल आया है। 7 से 8 टेबलस्पून ये जूस है मेरे पास और इस जूस को हम मिलाएंगे अब अपनी सेकेंड इंग्रेडिएंट में जो कि है कर्ड, दही। 1 कटोरी दही ली है मैंने। अपने बालों और अपने मम्मी के बालों के लिए, दोनों के लिए मास्क रेडी हो गया था। तो अगर आपके लंबे बाल हैं तो 1 कटोरी दही इज इनफ। इसमें हम मिला देंगे ये वाला जूस और 1 चम्मच आर्गन ऑयल, 1 चम्मच होहोबा ऑयल। अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो चाहे बादाम का हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे कैस्टर ऑयल हो, जो भी आपको ऑयल सूट करता है वो आप 1-1 चम्मच डाल सकते हैं। अगर सिंगल ऑयल यूज करोगे तो 2 टेबलस्पून डालना। आर्गन ऑयल आपके बालों को स्ट्रॉन्ग और थिक तो बनाता ही है, आपके ड्राई स्कैल्प को रिपेयर करता है, मॉइस्चर देता है, बालों में जो फ्रिजीनेस आ जाती है ना ड्राइनेस की वजह से, उसको बहुत ज्यादा काम डाउन कर देता है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है ये, तो इनमें किसी भी तरह का केमिकल सल्फेट, पैराबिन, मिनरल ऑयल्स नहीं यूज किए गए हैं। यहां मैंने डाला है 1 टेबलस्पून ऑफ होहोबा ऑयल और 1 टेबलस्पून ऑफ आर्गन ऑयल। इस कंपनी के बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी, क्योंकि अब आपको पता है कि इंडिया में मेड इन इंडिया के नाम से हजारों कंपनीज आ चुकी हैं जो कहते हैं कि हम नेचुरल हैं, हम ऑर्गेनिक हैं, तो इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च जब मैंने की तो मुझे पता चला कि ये जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं ये लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद इसको इंडिया में बनाते हैं कोल्ड प्रेस टेक्निक से। कोल्ड प्रेस टेक्निक से आप कुछ भी जब बनाते हो तो उसकी जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल 100% बरकरार रहते हैं। किसी भी चीज को गर्म करके उसका ऑयल बनाओगे तो उसके आधे न्यूट्रिएंट्स तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई हो रही थी मेरी, तो मैंने यहाँ मंगाया है अपनी स्किन के लिए रोज हिप ऑयल। ये 50 टाइम्स ज्यादा रिच होता है विटामिन सी में, किसी भी सिट्रस फ्रूट से अगर आप कंपेयर कर लो तो। जैसे हम कहते हैं ना विटामिन सी सीरम लगा लो फेस पे, विटामिन सी अगर ऑरेंज का बना है, अगर उसको आप रोज हिप ऑयल लगाओगे तो 50 टाइम्स ज्यादा आपको विटामिन सी मिलेगा स्किन में। विटामिन ए है इसमें, विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, लाइकोपीन है, जो स्किन के सेल्स को रिपेयर करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये तो बात हुई कि रोज हिप ऑयल को आप एज अ मॉइस्चराइजर स्किन पे भी लगा सकते हो। जो हमने पैक बनाया है उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अपने बालों पे और स्कैल्प पे लगा रही हूँ। अच्छे से थिक मोटी कोटिंग लगानी है आपको। 1 से 2 मिनट के लिए स्कैल्प को अच्छे से मसाज भी करना है और उसके बाद आप चाहें तो इसको मिनिमम आधा घंटा तो सिर पे रखना ही रखना है। 1 घंटा 2 घंटे रख लेंगे तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। हेयर फॉल अगर था आपको तो पहले ही यूज के बाद आपका हेयर फॉल 50% कम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे बाल इतने ज्यादा झड़ने लगे थे, मेरे और मम्मी दोनों के, क्योंकि हम दोनों को ही कोविड था। इसको लगाने के बाद मुझे ये इतना पसंद आया मास्क कि मैं अब इसको हर हफ्ते एक बार तो जरूर लगा रही हूँ टिल द टाइम आई एम रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। और कोविड नहीं भी हो तो भी आप लगा सकते हो। अगर हेयर फॉल है, फ्रिजी है, ड्राई है बाल, डैमेज बाल है, डेड लगते हैं, इसको जरूर एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, आपको 100% पसंद आने वाला है। इसको लगा के 1-2 घंटे रखें, उसके बाद शैम्पू कर लें, अच्छे से नेचुरल शैम्पू यूज करें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेचुरल शैम्पू आप मैं कौन सा यूज कर रही हूँ करंटली। तो आप देखो मेरे धूप में बाल नेचुरल तरीके से मैंने सुखाए हैं, कितने ज्यादा हेल्दी, शाइनी और बहुत ज्यादा छूने में बहुत सॉफ्ट है। आई विश आप टच करके देख पाते। आई होप आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। अगर आपको ये ऑयल्स अपने लिए ऑर्डर करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, वहां से आप ले सकते हो। जल्दी से मिलती हूँ अच्छी सी रेमेडी के साथ। टेक केयर।